हेलो फ्रेंड्स, आज बेसिकली EIA और EMP पर हम एक जनरल इन्फॉर्मेशन की तरह बात करेंगे और साथ ही EIA EMP पे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या किस तरह के क्वेश्चन उस पर बन सकते हैं, जैसे कि अभी जो DGMS एग्जामिनेशन आ रहा है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के एग्जामिनेशन है, उसके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन बन सकते हैं EIA EMP पे, उस पर डिस्कस करेंगे। मैंने एक EIA पे पूरी मेरी एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, उस वीडियो में EIA पूरी कंप्लीट प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होती है उस पर एक पूरा वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे भी एक बार चेक करिए तो इससे कोरिलेट हो जाएगी वो। व्हाट इज EIA? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और EIA कैन बी डिफाइंड, ये एक इंग्लिश में हम एक उसको पढ़ के एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं और इंग्लिश में पढ़ के उसको जो वन लाइन क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से निकल के आ सकते हैं, लेकिन अगर हमको इसको पूरी प्रोसेस को एक समझना है तो अगर हम अपनी लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करें तो बेसिकली EIA एक डॉक्यूमेंट बन के जो बाहर आता है वो पूरी एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, फिर एक डॉक्यूमेंट बन के बाहर आता है। तो बेसिकली यह एक टूल है जिसके द्वारा हम हमारे प्रोजेक्ट की एनवायरनमेंट रिलेटेड पूरी स्टडी करते हैं। पूरी EIA प्रोसेस की अगर बात करें तो हमें हमारे प्रोजेक्ट के जो जहाँ प्रोजेक्ट लग रहा है वहाँ के कोर जोन और बफर जोन, जो कोर जोन जो जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी बाउंड्री, मान लीजिए अगर माइनिंग लीज है तो ML बाउंड्री जो होगी वो कोर जोन कहलाएगा, और बफर जोन जो उसकी पेरीफेरी में 10 किलोमीटर जो एरिया है वो बफर जोन कहलाएगा। तो हमारे प्रोजेक्ट के कोर जोन और बफर जोन की पूरी स्टडी, उसमें सबसे पहले एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट की स्टडी, हमारा प्रोजेक्ट लगने से उस एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसकी स्टडी, और उस इम्पैक्ट का निवारण कैसे करेंगे उसकी स्टडी करनी होती है। तो इस पूरी प्रोसेस को कि क्या इम्पैक्ट आएगा उसकी स्टडी, फिर उसका निवारण कैसे करेंगे उसकी स्टडी, और उसकी मॉनिटरिंग की स्टडी। तो ये पूरी प्रोसेस एक EIA की है, उसमें उसके बाद कंप्लीट होने पर एक डॉक्यूमेंट बन के बाहर आता है। तो EIA की पूरी स्टडी इसी इस तरह से होती है कि फॉर्मेट इस तरह से है कि उसमें हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट के अकॉर्डिंग और उसके एनवायरनमेंट इम्पैक्ट के अनुसार एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की कॉस्ट डिसाइड हो जाती है। मतलब कि EIA से जो इम्पैक्ट आ रहा है और फिर हम जो उसकी स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट से जो एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट आ रहा है और उस इम्पैक्ट की जो स्टडी की, तो हमारे सामने एक फिगर आ गए कि हम जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उससे वहाँ के एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट का क्या क्या डिग्रेडेशन हो रहा है। अब उस डिग्रेडेशन का हम मैनेजमेंट स्टडी करेंगे कि इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अब वो डिग्रेडेशन किस किस तत्व पर होगा, एनवायरनमेंट के किन किन तत्व पर होता है, जैसे उसमें अगर हम बात करें तो लैंड एनवायरनमेंट, एयर एनवायरनमेंट, नॉइज एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सोशियो इको एनवायरनमेंट, इन सब जो एनवायरनमेंट की जो ये तत्व हैं इन पे हमारे प्रोजेक्ट लगने से क्या क्या इफेक्ट आएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा, वो इम्पैक्ट की स्टडी करने के बाद उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे तो उसका पूरा एक प्लान, और उसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे उसका पूरा प्लान, तो उसमें कॉस्ट क्या आएगी वो इस फॉर्मेट में उसकी कॉस्ट भी निकल के आ जाती है। तो EIA बेसिकली एक ऐसा टूल है जो हम एक फिगर के रूप में या एक प्रैक्टिकली फिगर के रूप में हमारे प्रोजेक्ट पे क्या इफेक्ट डालेगा, कॉस्ट डालेगा, वो भी हमें बता देता है। अब द इम्पोर्टेंस एस्पेक्ट ऑफ EIA अगर बात करें तो EIA बेसिकली तीन पार्ट में कंप्लीट हो रहा है कि रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट से वहाँ के एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसका असेसमेंट करना। दूसरा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, जिसको हम EMP में एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान में डालेंगे। फिर तीसरा उस मैनेजमेंट प्लान में ही आएगा कि पोस्ट प्रोडक्ट मॉनिटरिंग, उसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग करनी है हमको। अभी हम इस वीडियो को बनाने का जो हमारा मेन मोटिव है वो वन लाइनर जो क्वेश्चन बन सकते हैं EIA और EMP पे, जो DGMS एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं अपन। तो
इसको इस तरह से एक वन लाइन इम्पोर्टेंट क्या क्या AIA के ऊपर है वो भी हम इससे क्या आउटकम आ रहा है वो देख लेते हैं। मोर अबाउट AIA, तो AIA सबमिटेड टू MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सर्व एज प्राइमरी एनवायरमेंटल टूल विथ क्लियर प्रोविजंस। AIA में जो भी स्टडी की जा रही है उसमें उसके निवारण के एनवायरमेंटल पे जो इम्पैक्ट आया उसके निवारण के क्लियर प्रोविजंस हमें उसमें देने होते हैं। अप्लाई कंसिस्टेंटली टू ऑल प्रपोजल विथ पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, जो इम्पैक्ट आया उसका परफेक्ट प्रपोजल देना हमें कि किस तरह से हम उसको अप्लाई करेंगे। यूज साइंटिफिक प्रैक्टिस एंड सजेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर मिटिगेशन, वो ये कि साइंटिफिक और प्रैक्टिकल सजेशन जो स्ट्रेटजी बनानी है उसके निवारण एनवायरमेंट इम्पैक्ट के एनवायरमेंट पे जो इम्पैक्ट आ रहा है उसके निवारण के लिए। एड्रेस ऑल पॉसिबल फैक्टर सच एज शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इफेक्ट्स। कंसिडर सस्टेनेबल आस्पेक्ट सच एज कैपेसिटी फॉर एसिमिलेशन कैरिंग कैपेसिटी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, मतलब कि इस कंसिडर सस्टेनेबल आस्पेक्ट जो हम उसमें आस्पेक्ट उसमें दे रहे हैं जो निवारण के जो हम उसमें जो प्लान उसमें दे रहे हैं उसका वो सस्टेन करना चाहिए, इस तरह से सस्टेन करना चाहिए कि जो इफेक्ट हमारे प्रोजेक्ट की वजह से आ रहा है उसका प्रोटेक्शन उन तत्वों का प्रोटेक्शन बिल्कुल सही तरह से हो और जहाँ तक हो वो वापस रिस्टोर हो जाए, हमारे प्रोजेक्ट की वजह से जो एनवायरमेंटल तत्वों पर जो इम्पैक्ट आया है वो फिर से सही रिस्टोर हो जाए। ले डाउन ए फ्लेक्सिबल अप्रोच फॉर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, जो बेसिकली ये AIA जो प्रोसेस चल रही है उससे जो डॉक्यूमेंट बन के आ रहा है तो ये गवर्नमेंट MOEF जो मिनिस्ट्री है और जो प्रोजेक्ट लगा रहा है उसके बीच एक प्रोसेस चल रही है, उनके बीच में जो करस्पॉन्डेंस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें निकल के आ रही है और डॉक्यूमेंट बनता जा रहा है। अब इसमें जहाँ प्रोजेक्ट लग रहा था पहले क्या था, जहाँ प्रोजेक्ट लग रहा था वहाँ की जो पब्लिक है उन्हें पता ही नहीं होता था कि हाँ प्रोजेक्ट लग रहा है और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लगने की वजह से हमें क्या क्या भुगतना होगा, हम पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो AIA 2006 जब आया तो उसमें पब्लिक कंसल्टेंट में पब्लिक हियरिंग जो इन्वॉल्व की गई तो वहाँ की पब्लिक को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है और पब्लिक को अब बताया जाता है कि आपके यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लग रहा है उससे ये इम्पैक्ट आएगा, इसको हम इस तरह से सुधार करेंगे और इस प्रोजेक्ट का लगने से आप पे क्या असर आएगा और उस असर को हम किस तरह से निवारण करेंगे, तो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट डाला गया। हैव इनबिल्ट मैकेनिज्म ऑफ फॉलोअप एंड फीडबैक, इंक्लूड मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग ऑडिटिंग एंड इवोल्यूशन, तो पूरा फॉलोअप कैसे पूरा प्रोजेक्ट लगने का पूरा फॉलोअप का एक मैकेनिज्म है, फीडबैक जो लेना है उसका एक पूरा मैकेनिज्म है और जो प्रोजेक्ट लगने के बाद भी जो मॉनिटरिंग होगी जो ऑडिटिंग करनी है तो वो उस एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म बताना है एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान में कि किस तरह से पूरे प्रोजेक्ट की हम मॉनिटरिंग करेंगे ऑडिटिंग किस तरह से करेंगे, मतलब प्रोजेक्ट लगने के बाद कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है एनवायरमेंटल जो भी एनवायरमेंटल तत्व है उनके ऊपर। अब अगर हम देखें कि ये AIA प्रोसेस किस तरह से अस्तित्व में आया तो उसकी पूरी एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को अगर पूरा डिटेल में पढ़ने जाए तो उसका कोई वो इतने उसमें तो एक्चुअली पढ़ के याद करने वाली बात है तो हमें और आपको इसको पढ़ना होगा और याद करना होगा। प्री 1970 प्रोजेक्ट रिव्यू बेस्ड ऑन द टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिकल एनालिसिस लिमिटेड कंसिडरेशन गिवन टू एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस, 1970 में थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल पे सोचने लगे थे। अर्ली 1970 में AIA इंट्रोड्यूस बाय नेपा इज व्हाट नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट इन US, तो 1970 में US की जो नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट है वो इसको कॉन्सेप्ट को लेके आई, धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को दूसरी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया जैसे कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बिकम द फर्स्ट कंट्रीज टू फॉलो अप नेपा इन 1973 एंड 1974। ऑस्ट्रेलिया विच लेजिस्लेटेड AIA, ऑस्ट्रेलिया ने बाद में उसको कानून बनाया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड एस्टेब्लिश
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडर, उन्होंने भी इसको कानून के रूप में लाने की कोशिश की। तो इस तरह से अर्ली 70 में ये एक अस्तित्व में आया। लेट 1970 एंड अर्ली 1980 में ये और कंट्रीज में बढ़ने लगा। तो फ्रांस, फिलीपींस, जो इन कंट्री ने भी इसको अपनाया, नीदरलैंड, धीरे धीरे ये बाउंड्री लेस होते हुए आगे बढ़ता हुए अदर स्टेट ने इसको, और जो डेवलपिंग कंट्रीज ने भी इसको अर्ली एटीज़ में अपनाया, ब्राज़ील, फिलीपींस, चाइना, इंडोनेशिया। मिड 1980s टू एंड ऑफ डिकेड इन यूरोप, यूरोप में इसको सारे मेंबर कंट्री पे इसको कंपलसरी कर दिया। 1990 में रिक्वायरमेंट टू कंसिडर ट्रांस बाउंड्री इफेक्ट अंडर इस्पो कन्वेंशन, इंक्रीज्ड यूज ऑफ GIS एंड अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल एंड ग्लोबल इश्यू रिसीव इंक्रीज्ड अटेंशन। इंडिया आल्सो अडॉप्ट द EIA फॉर्मली, फॉर्मुलेशन ऑफ EA लेजिस्लेशन बाय मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, रैपिड ग्रोथ इन EA ट्रेनिंग। हिस्ट्री ऑफ EIA इन इंडिया, द इंडियन एक्सपीरियंस विद 1976 और 77 में प्लानिंग कमीशन ने रिवर वैली जो प्रोजेक्ट होते थे उन पे एक रिपोर्ट मांगनी शुरू की। दिस वॉज सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड टू कवर दोज प्रोजेक्ट्स विच रिक्वायर्ड द अप्रूवल ऑफ द पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड। टिल 1994 एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन एंड लैक्ड लेजिस्लेटिव सपोर्ट। जो 1994 में जो EIA आया, जो नोटिफिकेशन, उसमें उसके अकॉर्डिंग कई प्रोजेक्ट को EC लेना कंपलसरी कर दिया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उस वक्त यूनियन मिनिस्ट्री MEF होती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो उसने कई इसको एक नोटिफिकेशन ला के एनवायरनमेंट क्लियरेंस कई प्रोजेक्ट के लिए कंपलसरी कर दिया। द MOEF, अब जो 2006 में जो EIA नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग लगभग बहुत सारे प्रोजेक्ट, लगभग करीब करीब सभी प्रोजेक्ट के लिए कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको कंपलसरी किया, और उसका जो बाइफर्केशन किया प्रोजेक्ट का, तो जो पावर का डेलीगेशन कहते हैं जिसको, जैसे कि जो प्रोजेक्ट पहले सारे प्रोजेक्ट 1994 में जो EIA नोटिफिकेशन था उसमें सारे प्रोजेक्ट MOEF करती थी, अभी 50 एक्टर से अबव के प्रोजेक्ट को MOEF करेगी और 50 एक्टर से बिलो के प्रोजेक्ट को स्टेट पे दे दिया गया है। जो कमेटी बनेगी स्टेट लेवल पे SEAC, तो इसमें पावर का डेलीगेशन हुआ और उसमें पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट को भी इंक्लूड किया। सर्टेन एक्टिविटीज परमिसिबल अंडर द कोस्टल रेगुलेशन एक्ट 1991 आल्सो रिक्वायर सिमिलर क्लियरेंस। एडिशनली डोनर एजेंसीज ऑपरेटिंग इन इंडिया लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड द ADB हैव ए डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर गिविंग एनवायरमेंट क्लियरेंस टू प्रोजेक्ट डेट आर फंडेड बाय देम। जो बैंक, वर्ल्ड बैंक जो इन्वॉल्व हुआ, तो उन्होंने कुछ इस पर डिफरेंट गाइडलाइन इशू की है। एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स ऑफ EIA, अब जो पूरी प्रोसेस जिसे हम बात कर रहे हैं कि एक पूरी प्रोसेस के थ्रू EIA क्या है, बेसिकली एक पूरी प्रोसेस है, एक टूल है, उसमें पूरी एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है। जब पूरी प्रोसेस से गुजरते हैं तो एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में बन के आता है। तो किन किन एनवायरनमेंट के किन किन आस्पेक्ट पे बात होती है, तो उसमें अगर हम बात करें तो एयर एनवायरनमेंट, क्वालिटी ऑफ एम्बिएंट एयर प्रेजेंट एंड प्रेडिक्टेड, जो प्रेजेंट, जो प्रोजेक्ट लगने से पहले जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट क्या है, तो उसमें एयर की क्वालिटी प्रेजेंट में क्या है, और जब प्रोजेक्ट लग जाएगा तो क्या क्या इफेक्ट उस एयर, वहाँ के एयर पोल्यूशन पे क्या क्या इफेक्ट आएगा, पोल्यूशन किस तरह से थोड़ा इंक्रीज होगा, किस तरह से उसमें कुछ गैसेज मिलेगी, तो उसकी स्टडी हो जाएगी। तो प्रेडिक्टेड आगे का कैसा एनवायरनमेंट बनेगा, एयर में क्या क्या चेंजेज आएंगे वो स्टडी करनी है, वहाँ की विंड स्पीड डायरेक्शन कैसा है और ह्यूमिडिटी कितनी है वो स्टडी करनी है, फिर उस पर क्या इफेक्ट आएगा प्री एनवायरनमेंट और उस पर इम्पैक्ट आने से पोस्ट एनवायरनमेंट, क्वांटिटी ऑफ इमिशन लाइकली फ्रॉम प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट से जो इमिशन होंगे, जो गैसों के इमिशन होंगे, वाटर का जो पोल्यूशन होगा उसकी क्वांटिटी मेजर करनी है, इम्पैक्ट ऑफ द इमिशन ऑन द एरिया, पोल्यूशन कंट्रोल डिजायर,
एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। एयर के अलावा जो कंपोनेंट है नॉइज़ है, तो नॉइज़ लेवल ऑफ नॉइज़ क्या है प्रेजेंट में और प्रेडिक्टेड क्या, उस पर इम्पैक्ट आने के बाद क्या प्रेडिक्ट हो जाएगा, क्या कितना चेंज आ जाएगा, उसकी स्टडी आएगी। स्ट्रेटजीज फॉर रिड्यूसिंग नॉइज़ पोल्यूशन, उसके मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसको रिड्यूस करने के लिए, वो उसमें हमें बताना होगा। वाटर एनवायरमेंट, एग्जिस्टिंग ग्राउंड एंड सरफेस वाटर रिसोर्सेज, देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी विद इन द जोन, कितना सरफेस वाटर है कितना ग्राउंड वाटर है, उनकी क्वालिटी कितनी है क्वांटिटी क्या है, वो स्टडी आएगी। इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है वो स्टडी आएगी। बायोलॉजिकल एनवायरमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरमेंट जिसमें हम अगर बात करें तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी की को स्टडी करना है, जिसमें फ्लोरा एंड फोना इन इम्पैक्ट जोन, उस जोन में फ्लोरा फोना की स्टडी आएगी। फ्लोरा मतलब प्लांट किंगडम, फोना मतलब एनिमल किंगडम, इनकी स्टडी करनी होगी कि इन पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। अगर इसको ऐसे समझे कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट लग रहा है तो वहाँ केमिकल इमिशन जो वाटर में जाके मिल रहा है उससे वहाँ के फोना कोई एनिमल्स है जो एग्जिस्ट करते हैं, जंगली जानवर हैं, तो वो उनको पीने से उन पे कोई इफ़ेक्ट आ जाएगा या वहाँ से वो जगह छोड़ के जाने लगेंगे या साउंड इतनी हो जाएगी जिससे वो जगह छोड़ के जाने लगेंगे, तो ये सब स्टडी वहाँ की सॉइल में कितना डिग्रेडेशन आएगा कि फ्लोरा वहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रही है वो फ्लोरा फिर वहाँ की वनस्पति मरने लगेगी या पनपना बंद हो जाएगी, तो ये सारी स्टडी इसमें आएगी। पोटेंशियल डैमेज ड्यू टू प्रोजेक्ट, ड्यू टू इफ्यूलेंट्स इमिशन एंड लैंडस्केपिंग, जो भी डिस्कस किया हमने। बायोलॉजिकल स्ट्रेस, कितना उस एरिया पे स्ट्रेस बढ़ेगा, वहाँ की बायोलॉजिकल जीव जंतुओं पे कितना स्ट्रेस बढ़ेगा, उसकी पूरी स्टडी आएगी। कितना स्ट्रेस मतलब कि वहाँ पे अगर जो जंगली जानवर होते हैं एकांत में रहना पसंद करते हैं, तो लोगों का आना जाना उससे उनके ऊपर वो जगह नहीं मिलेगी उन्हें छुपने की, तो वो स्ट्रेस रहेगा उन पर, साउंड का स्ट्रेस रहेगा, वो पूरी स्टडी इसमें करनी होगी। लैंड एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, लैंड यूज एंड ड्रेनेज पैटर्न एंड द लाइकली एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, इम्पैक्ट ऑन हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स एंड हेरिटेज साइट्स, उस एरिया में जो इम्पैक्ट जोन है जिसको हम बफर कोर जोन और बफर जोन कहेंगे, उसमें जो मोनूमेंट है उसमें मोनूमेंट पे कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, हेरिटेज है, कोई पुरातत्व विभाग की कोई साइट है, उन पे क्या उसको उसके संरक्षण के लिए हमें प्लान बनाना होगा। अब अगर हम बात करें तो बेनिफिट ऑफ EIA, ये पूरी स्टडी हम कर रहे हैं, अब इससे हमको बेनिफिट क्या निकल के आता है, तो बेसिकली EIA लिंक्स एनवायरनमेंट विथ डेवलपमेंट फॉर एनवायरमेंटली सेफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट लगना जरूरी, अब मान लीजिए किसी अपनी कंट्री है, अपनी कंट्री के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़रूरी है, प्रोजेक्ट लगना भी ज़रूरी है, इन हाउस हमें इन कंट्री के मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग हमें कंट्री के अंदर ही हमें चीज़ें अगर हम डेवलप करते हैं बनाते हैं इंडस्ट्री डेवलप करते हैं तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ये सारे फैक्ट्स क्लियर है। लेकिन इन सारे फैक्ट्स में हम जो चीज़ें छूट जाती है कि इन सब प्रोजेक्ट लगने की वजह से जो हमारे एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, जो हमारा एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है उस पर कितना इफेक्ट आ रहा है। एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट जो हमारे जीवन रक्षक तत्व है, आवश्यक तत्व है, जीवन के आवश्यक तत्व है, वहाँ किसी का ध्यान नहीं जाता है, ना तो प्रोजेक्ट लगाने वाले का जाता है, ना आसपास की पब्लिक को ये लगता है कि यहाँ प्रोजेक्ट आ जाएगा तो हमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, तो उनका भी उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो जो जीवन रक्षक तत्व है उनकी स्टडी मात्र एक यही एक टूल है हमारे पास जिससे वो निकल के आती है, जिसे हम EIA स्टडी कहते हैं। तो बेसिकली EIA कड़ी है इंडस्ट्री विकास और जीवन रक्षक तत्व के बीच की, के जीवन रक्षक तत्व को भी संजो के कैसे विकास किया जा सकता है। EIA प्रोवाइड्स ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू एलिमेंट और मिनिमाइज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। EIA टूल की तरह सारे
हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ने वाले इफेक्ट के निवारण को फिगर्स में लेके आ जाता है। जो इफेक्ट पड़ रहा है अब उसका निवारण कैसे करना है, वो निवारण आपने मैनेजमेंट में बताया, तो उस मैनेजमेंट पे एक पर्टिकुलर कॉस्ट लगेगी। आप बोलोगे कि मैं एयर इमिशन ज़्यादा हो रहा है तो मैं एयर बैग्स लगा दूंगा, तो उसकी कॉस्ट आपको बतानी पड़ेगी। तो एक कॉस्ट के अंदर एक फिगर सामने आ जाता है, उससे जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती है, जो प्रोजेक्ट लगा रहा है उसकी एक अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती है, और उसका प्रोजेक्ट भी उसको मालूम चल जाता है कॉस्ट के अंदर। या ये इनेबल्स द डिसीजन मेकर्स टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट वेल बिफोर द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड। या ये जो स्टडी है प्रोजेक्ट लिखने से पहले ही वहाँ के एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले इफेक्ट को बता देता है। तो अगर जो गवर्नमेंट एजेंसियाँ हैं या आसपास की लोकल पब्लिक है उनके सामने उस प्रोजेक्ट को जब लेके जाते हैं और जब वो डिस्कस करते हैं उनसे कि ये प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट आएगा, तो उनके भी कान खड़े हो जाते हैं कि अरे इतना सब कुछ यहाँ पे जीवन रक्षक तत्व के साथ यहाँ पे चेंजेज आ जाएंगे, तो हम लोग तो यहाँ के लोकल लोग हैं। तो वो एक सामने एक फिगर्स में और एक पूरी पिक्चर को सामने ले आता है। एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले ईआईए एनकरेजेज द अडॉप्शन ऑफ मिटिगेशन स्ट्रेटजीज इन द डेवलपमेंटल प्लान। एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले इफेक्ट के निवारण का प्लान तैयार करवाता है। ईआईए मेक्स श्योर डेट द डेवलपमेंटल प्लान इज एनवायरमेंटली साउंड एंड विद इन लिमिट्स ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एसिमिलेशन एंड रीजनरेशन ऑफ द इकोसिस्टम। उस प्लान की वैधता को भी चेक करता है कि यह इकोसिस्टम को रीस्टेब्लिश करने में सक्षम है या नहीं है। अभी इसी ईआईए की जब स्टडी कंप्लीट हो रही होती है तो उसका इम्पैक्ट के बाद हमें उसके मैनेजमेंट में जाना होता है। जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि रिस्क असेसमेंट इम्पैक्ट है और मैनेजमेंट एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान में आता है। तो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान किस फॉर्म में बन के सामने आता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान इज टू फॉर्मुलेट मेजर्स विच विल मिटिगेट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन वेरियस एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द रैपिड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी। यह ईआईए की पूरी स्टडी का ही एक पार्ट है। जैसा रिस्क ईआईए स्टडी में एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले इम्पैक्ट की स्टडी की और उस स्टडी करने के बाद जो इम्पैक्ट निकल के सामने आते हैं उसके निवारण के लिए एक इफेक्टिव प्लान बनाना इसका मेन मोटिव है। प्रोटेक्ट एनवायरमेंटल रिसोर्सेज वेयर पॉसिबल, जहाँ तक हो एनवायरमेंट रिसोर्स को जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनके साथ छेड़खानी ना हो उसको ये संभव बनाता है। प्रोटेक्ट एनवायरमेंटल रिसोर्सेज वेयर पॉसिबल। और थर्ड पॉइंट इसका ऑब्जेक्टिव में अगर बात करें कि एनहांस द वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स वेयर पॉसिबल, एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान आल्सो इंक्लूड्स ए मॉनिटरिंग प्लान टू इनेबल इवैल्यूएशन ऑफ द सक्सेस और फेलियर ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट मेजर्स एंड टू कैरी आउट रीओरिएंटेशन ऑफ द प्लान इफ फाउंड नेसेसरी। इट इज एम्फेसाइज दैट मैनी ऑफ द प्रोटेक्टिव एंड एनहांसमेंट मेजर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई अडोप्टिंग सूटेबल प्लानिंग एंड डिजाइन क्राइटेरिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान मॉनिटरिंग सिस्टम को भी उसमें इंक्लूड करता है, जो कि प्रोजेक्ट के एनवायरमेंट मैनेजमेंट में सक्सेस और फेलियर होने की एवोल्यूशन बताता है। मान लीजिए उसमें इम्पैक्ट स्टडी हो गई, फिर मैनेजमेंट अपन ने डिसाइड कर लिया उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, लेकिन साथ में मैनेजमेंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, उसकी ऑडिटिंग कैसे होगी, उसको इसमें इंक्लूड करता है, जिससे वो प्रोजेक्ट सक्सेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी मैनेजमेंट एनवायरनमेंट का मैनेजमेंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो पूरा सामने निकल के आता है। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान अगर इसकी बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव के बाद दूसरा, इसमें अगर पूरी एक डॉक्यूमेंट की तरह इसको समझने की कोशिश करें तो सेकंड में हमें इसको लैंड एनवायरनमेंट को स्टडी करना होगा। लैंड एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उसकी क्या मैनेजमेंट करेंगे हम, एयर पोल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका क्या मैनेजमेंट रहेगा, नॉइज पोल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका क्या
मैनेजमेंट रहेगा, वाटर मैनेजमेंट, गाइडलाइन फॉर बायो एस्थेटिक मैनेजमेंट, बायो एस्थेटिक बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बातें, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशियो इकोनॉमिक जो वहाँ का जो लोकल लोकल रेजिडेंस है उन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसकी उसकी स्टडी होगी यहाँ पे। तो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज, कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज साइट इंचार्ज विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑल द मिटिगेशन मेजर्स रिकमेंडेड। जो भी मिटिगेशन उसने रिकमेंड किए खुद ने ही, क्या निवारण उसने जो रिकमेंड किए उसको उसको कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान और ऑपरेशनल फेज के दौरान उसको उसे कंप्लीट करने होंगे। जैसे कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ओपन स्पेस एंड रोड साइड विल बी इनिशिएटेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज इट्सेल्फ। कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान उसको रोड के दोनों साइड या ओपन स्पेस में प्लांटेशन करना होगा। इन ऑपरेशनल फेज द वर्क विल बी कंटिन्यूड अलॉन्ग विद पोस्ट मॉनिटरिंग ऑफ प्लांटेड एरिया। एन ऑफिसर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट टू एंश्योर मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड। द फॉलोइंग टेबल्स, अब हम इसकी बात करें तो इस पूरे सिस्टम को मेजर करने के लिए टेबल नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है कि इस जो पूरा जो लैंड एनवायरनमेंट है, एयर एनवायरनमेंट है, नॉइज एनवायरनमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, इसको ये जो बायोडाइवर्सिटी है और सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है इसके ऊपर किस तरह से इसको एक साइंटिफिक टूल के जरिए इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे और इसको इसमें क्या कॉस्ट आएगी, वो पूरा इसमें टेबल्स के जरिए डिसाइड होता है। तो टेबल वन जो है मिटिगेशन मेजर्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज, कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान जो निवारण मेजर्स किए जाते हैं वो है तो लैंड एनवायरनमेंट, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर मैनेजमेंट और अदर इम्पैक्ट पे ये स्टडी की जाती है। तो इसमें अफेक्टेड एनवायरमेंटल पैरामीटर, अब इसमें बात करें तो लैंड एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो इम्पैक्ट की वजह से जो EIA में हमने इम्पैक्ट स्टडी की उसकी वजह से क्या क्या पैरामीटर में इफेक्ट पड़ रहा है वो स्टडी आएगी। जैसे कि बात करें तो सॉइल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लैंड डिग्रेडेशन कितना हो रहा है, जैसे माइनिंग प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे लैंड का डिग्रेडेशन होता है, एयर पोल्यूशन है तो कितना इमिशन हो रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किस तरह की गैसेज है, टॉक्सिस है, नॉइज पोल्यूशन, तो इन सब के ऊपर अफेक्ट एनवायरमेंट पैरामीटर, क्या क्या पैरामीटर पे इफेक्ट पड़ रहा है। और लाइकली एडवर्स इम्पैक्ट इन एब्सेंस ऑफ मिटिगेशन मेजर्स, अगर मिटिगेशन निवारण उसका नहीं करते हैं तो क्या उसका क्या परिणाम हो सकता है। नेचर ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का नेचर क्या है इसको अगर समझना है तो नेचर, मान लीजिए सॉइल का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है कि कोई केमिकल उसमें पानी के साथ केमिकल आके मिल रहा है, अगर वाटर का कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है तो किस तरह का केमिकल आके उसमें मिल रहा है, तो नेचर ऑफ इम्पैक्ट क्या है। प्रपोज्ड मिटिगेशन मेजर्स, तो एक्शन टू बी टेकन, क्या एक्शन लिए जाएंगे और कौन टेकन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, तो कौन उसको एजेंसी को उसमें अकाउंटेबल किया जाता है, कौन एजेंसी उसके लिए जिम्मेदार रहेगी। टेबल टू मिटिगेशन मेजर्स ड्यूरिंग ऑपरेशन फेज, ऑपरेशन फेज ये कंस्ट्रक्शन फेज में टेबल आ गई उसके ऊपर पूरी स्टडी हो जाती है EMP में। फिर मिटिगेशन मेजर्स ड्यूरिंग ऑपरेशन फेज, ऑपरेशन फेज में किस किस कंटेंट पे बात होती है, तो लैंड एनवायरनमेंट, एयर पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। और सेम वही अफेक्टेड एनवायरनमेंट पैरामीटर्स क्या है, अगर इसको मिटिगेशन या निवारण इस पे नहीं करते हैं तो क्या परिणाम हो सकते थे, उनका नेचर ऑफ इम्पैक्ट क्या है। फिर प्रपोज मिटिगेशन मेजर्स में एक्शन क्या लिए जाएंगे और कौन एक्शन लेगा उसके लिए अकाउंटेबल जिम्मेदार कौन रहेगा। इंडिया में एनवायरमेंटल रिलेटेड एक्ट्स इन इंडिया, तो इसको याद करने से ही मामला बैठेगा इस स्लाइड को। एयर प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट ऑफ 2001, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, वाटर
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, नॉइज पॉल्यूशन एक्ट, हैजार्डस वेस्ट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट एक्ट 1989। अब अगर हम बात करें कि पूरी स्टडी जो हमने अभी इसको समझने की कोशिश की, इसको जनरल इन्फॉर्मेशन इसमें से निकाली, और एक जो वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं देने वाला हूँ, अगर उस दोनों वीडियो के ऊपर बात करें तो एक मेजर क्वेश्चन क्या बन के आते हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर सबमिशन विथ एप्लीकेशन फॉर प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो जनरल रिक्वायरमेंट क्या है, तो पहला, अगर प्रोजेक्ट फॉर प्रोजेक्ट अदर देन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, अगर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अलावा के लिए बात करें तो फॉर्म फर्स्ट प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट एंड और अथवा प्रपोज TOR फॉर प्रोजेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एरिया। अगर दूसरा, अगर प्रोजेक्ट अगर बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन टाइप का प्रोजेक्ट है, एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, टाउनशिप प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए फॉर्म फर्स्ट ए कंसेप्चुअल प्लान एंड या प्रपोज्ड TOR। TOR क्या है, टर्म ऑफ रेफरेंस। क्वेश्चन, हु कैन डू द करस्पॉन्डेंस विद MOEF SEAC। ऑल करस्पॉन्डेंस विद द अथॉरिटी इंक्लूडिंग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर TOR एनवायरमेंटल क्लियरेंस सब्सिक्वेंट क्लेरिफिकेशन पार्टिसिपेशन इन द EAC मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोनेंट। प्रोजेक्ट प्रपोनेंट कौन है, जो प्रोजेक्ट लगा रहा है, जो ऑनर है, शैल बी मेड बाय द ऑथराइज सिग्नेटरी ओनली। प्रोजेक्ट प्रपोनेंट एक ऑथराइज सिग्नेटरी बनाएगा, मान लीजिए किसी कंसल्टेंसी को दिया काम तो वो ऑथराइज सिग्नेटरी उसको बना देगा। इन द एब्सेंस ऑफ द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव द प्रपोजल विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय द EAC। इट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर ऑथराइज जिसको बनाया है वो एब्सेंट, उसकी एब्सेंस में कोई भी मीटिंग या प्रपोजल पे कंसिडरेशन, कोई बातचीत नहीं होगी। कैन द PP जो प्रोजेक्ट प्रपोनेंट है इन्फॉर्म MOEF थ्रू ईमेल अबाउट द सबमिशन ऑफ TOR EC एप्लीकेशन, क्या वो बता सकता है ईमेल के जरिए भी बता सकता है क्या? तो यस, बता सकता है। द प्रोजेक्ट प्रपोनेंट कुड पैरेलली सेंड ए स्कैंड कॉपी ऑफ द फॉरवर्डिंग लेटर ऑफ देयर एनवायरमेंट क्लियरेंस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अगर वो लगाना चाहता है तो उसकी स्कैन कॉपी ईमेल के जरिए भी भेज सकता है टू द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव सेक्टरल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी EAC को भेज सकता है, ऑल्सो टू द कंसर्न एडवाइजर एंड सेक्शन ऑफिसर फॉर देयर इंफॉर्मेशन टू इनेबल द मिनिस्ट्री टू कीप ए ट्रैक ऑफ द प्रपोजल इन द पाइपलाइन। द ईमेल एड्रेस ऑफ वेरियस ऑफिसर्स ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट डिवीजन आर ऑलरेडी गिवन ऑन वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री। वॉट टाइप ऑफ एक्टिविटीज कैन बी अंडरटेकन विदाउट प्रायर EC? नो एक्टिविटी इंक्लूडिंग सिविल कंस्ट्रक्शन कैन बी अंडरटेकन विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर EC एक्सेप्ट फेंसिंग ऑफ द साइट। फेंसिंग ऑफ द साइट के अलावा सिविल कंस्ट्रक्शन भी कोई प्रायर एक्टिविटी, प्रायर EC के बिना कोई काम शुरू नहीं कर सकती है। Door have been prescribed for undertaking detailed EIA study and where construction activity started. The TOR may be suspended, withdrawn in addition initiating penal action. अगर ऐसा कोई एक्शन को पैनल को मिलता है कि प्रायर इसीलिए बिना काम शुरू कर दिया गया है तो उसको TOR को सस्पेंडेड कर देगी। What are the document MOEF shall display on website? Summary of draft EIA report for category A project, TOR approved by EAC, recommendation of EAC, approval rejection by MOEF, ये सब चीज़ें जो है अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करेगी। MOEF ऑफिस मेमोरेंडम जो कि 22 मार्च 2010 को आया था, उसमें क्या था, तो कैटेगरिकली स्पेसिफाइज दैट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 ऑनवर्ड्स द अप्रूव TOR इज वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स फॉर सबमिशन ऑफ EIA EMP रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, EIA EMP जो ड्राफ्ट रिपोर्ट बनानी होती है हमें,
उसके लिए जो TOR मिलता है हमें MEF की तरफ से, उसकी वैलिडिटी 2 साल के लिए ही रहती है। इट विल बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए और एक्सटेंडेड हो सकती है। किस कंडीशन में? बेस्ड ऑन प्रॉपर जस्टिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ EAC SEAC। अगर जस्टिफिकेशन मान लिया जाता है EAC और SEAC के द्वारा, तो 1 साल के लिए और फर्दर एक्सटेंशन मिल जाएगा। Therefore, टोटल वैलिडिटी ऑफ TOR इज 3 ईयर्स। After that, the approved TOR is deemed invalid. Important point है, 3 साल के बाद कोई भी TOR invalid हो जाएगा। Primary data should not be older than 3 year. इसका मतलब MOEF क्या कह रहा है कि जो भी TOR में और जो primary data form first में हमने दिया था, वो 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इसलिए fresh TOR लेना होगा। Some more facts about EIA. Name of proponent plus name of consultant should be mentioned EAC SEAC meeting while prescribed TOR and EC letter. जब TOR और EC letter जब issue करते हैं तो उसमें consultant का नाम और project proponent का नाम उसमें दिया जाना जरूरी है। In case of change of consultant, PP project proponent must inform to MOEF SEIAA SEAC immediately. The term of reference TOR shall be conveyed to the applicant by the expert appraisal committee or state level expert appraisal committee within 60 days of the receipt of form first. तो अभी तक जो confusion चल रहा था कि TOR आएगा कहाँ से, तो जब हम form first submit करते हैं with pre-feasibility report, MOEF को जब ये submit किया जाता है तो MOEF हमें एक टर्म ऑफ रेफरेंस इशू करती है जिसमें हमारे प्रोजेक्ट की टर्म्स क्या क्या रहेगी जिसके ऊपर हमें ड्राफ्ट EIA बनाना होता है, और ये टर्म ऑफ रेफरेंस विद इन 60 डेज में हमें प्रोवाइड कराएगी। MOEF हमें विद इन 60 डेज में प्रोवाइड कराएगी। इफ द टर्म ऑफ रेफरेंस इज नॉट फाइनलाइज्ड एंड कन्वेड टू द एप्लीकेंट विद इन 60 डेज of the receipt of form first, the term of reference suggested by the applicant shall be deemed as the final term of reference for EIA studies. अगर 60 दिन में 60 डे में नहीं देती है TOR, तो जो सजेस्ट जो प्रोजेक्ट प्रपोनेंट जो सजेस्ट करेगा, एप्लीकेंट जो सजेस्ट करेगा TOR, उसी को फाइनल माना जाएगा। अप्रेजल मीन्स क्या है? तो स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक द फाइनल EIA रिपोर्ट, आउटकम ऑफ द पब्लिक कंसल्टेंस इंक्लूडिंग पब्लिक हियरिंग प्रोसीडिंग बाय द अप्रेजल कमिटी। अब ये अप्रेजल वर्ड आ गया यहाँ पे, तो कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मेरी प्रीवियस वीडियो की बात करें तो उसमें पूरा EIA किस प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, तो वहाँ ये अप्रेजल एक पार्ट ऑफ EIA प्रोसेस है। जैसे कि पहला पॉइंट है स्कोप, दूसरा पॉइंट है स्क्रीनिंग, तीसरा पॉइंट है पब्लिक कंसल्टेंट जिसमें पब्लिक हियरिंग करानी होती है, और चौथा पॉइंट है अप्रेजल। तो इसमें पूरा एक प्रोसेस है कि कब कितने टाइम में स्क्रीनिंग, स्कोप कितने टाइम में कंप्लीट करना है, स्क्रीनिंग कितने टाइम में कंप्लीट करनी है, पब्लिक हियरिंग कितने टाइम में कंप्लीट करनी है, और पब्लिक हियरिंग में किस किस प्रोसेस के थ्रू गुजरना है, पब्लिक हियरिंग क्या उसमें किस किस को एप्लीकेशन देनी होती है, किस तरह से ऑर्गेनाइज होती है, कौन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए भी मेरा एक पूरा वीडियो पब्लिक हियरिंग के ऊपर है, उसका लिंक भी इसमें मैं दे दूंगा। तो वहीं ये अप्रेजल वर्ड आता है। ऑन 26 अप्रैल 2011 MOEF इश्यूड सर्कुलर ऑन द प्रोसीडर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस। अब 26 अप्रैल का 2011 का MOEF का एक सर्कुलर है, क्या कह रहा है कि माइनिंग प्लस नॉन माइनिंग प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग 40 हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट, अगर 40 हेक्टर के या उससे ज़्यादा का एरिया उसके प्रोजेक्ट एरिया में आ रहा है, कोर जोन में आ रहा है, तो PP हैज़ टू सबमिट डॉक्यूमेंट एट द अप्रेजल ऑफ इट्स एप्लीकेंट फॉर EC। उसको और भी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, हाई रेजोल्यूशन सेटेलाइट इमेजनरी सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कन्फर्मिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड का इन्वॉल्वमेंट का कन्फर्मेशन देगा एक फॉरेस्ट अधिकारी स्टेट लेवल का, और एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड
In such case, prior to issuing of certificate, the site may be inspected by the State Forest Department along with the regional office of the ministry to ascertain the status of forest. According to the issued circular on 15 April 2009 by MOEF, mining industry must do self-monitoring of key parameter and also stipulated to provide same information in public domain through website. जो ये वेबसाइट पे डेटा को डिस्प्ले करने का जो सर्कुलर था 15 अप्रैल 2009 में आया था एंड डिस्प्ले बोर्ड स्टैटिक इंफॉर्मेशन इंक्लूड फिजिकल इंफॉर्मेशन सच एज माइनिंग लीज इट्स एरिया प्रोडक्शन लीज ड्यूरेशन एंड डेट ऑफ कमिशमेंट ऑफ वर्क डायनेमिक पैरामीटर्स इंक्लूड रिपोर्टिंग ऑन एम्बिएंट एयर क्वालिटी क्वालिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर एरिया अंडर प्लांटेशन नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड एंड वाइब्रेशन ड्यू टू ब्लास्टिंग ये सारे डेटा डिस्प्ले करने होते हैं वेबसाइट पे. तो इसके लिए कौन सा सर्कुलर था MOEF का सर्कुलर था 15 अप्रैल 2009 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1972 जो कि रिवाइज हुआ 2002 में फर्स्ट कंप्रेहेंसिव लेजिस्लेशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड conservation of species of plants and animals and management of their habitats. Act restrict development project या mining in national park and sanctuary. कोई भी तरह का development को restrict करता है national park में या sanctuary में. Wildlife clearance is a prerequisite for forest clearance. अगर हमें forest clearance लाना है तो उससे पहले wildlife clearance लाना होगा. Mandatory to take recommendation of NBWL if project is located within the eco-sensitive zone. NBWL National Board of Wildlife जो कि part of एक legal body है MOEF की. Wildlife Protection Amendment Act 1972 revised in 2002 जिसमें हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो बोला कि eco-sensitive zone में पहले हमें वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस लाना होगा फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलेगा और जो कि NBWL जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो कि एक लीगल बॉडी है MOEF की उसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा. तो विद इन द अगर इको आज थोड़ी तबीयत खराब है मेरी जो कि इको सेंसिटिव जोन में लोकेट अगर प्रोजेक्ट हो रहा है तो अगर इन इको सेंसिटिव जोन में कॉमर्शियल माइनिंग एक्सेप्ट डिगिंग ऑफ अर्थ फॉर कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ हाउसेज मैन्युफैक्चर ऑफ कंट्री टाइल्स और ब्रिक्स और हाउसिंग फॉर पर्सनल कंजम्पशन के लिए कुछ डिगिंग कर रहा है कुछ पत्थर निकाल रहा है कुछ मिट्टी निकाल रहा है तो उसको छोड़ के कॉमर्शियल माइनिंग इज प्रोहिबिटेड. तो ये 2002 में क्लियर हो गया कि इको सेंसिटिव जोन में किसी भी तरह की माइनिंग प्रोहिबिटेड है. Procedure for obtaining prior environmental clearance EC लेना इज अ सेपरेट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस EC मिलना का मतलब ये नहीं है कि वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस मिल गया है. वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस एक सेपरेट प्रोसेस है विच इज एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बोथ क्लियरेंस कैन बी प्रोसीड कंक्रंटली बाय द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट साथ साथ में चला सकता है लेकिन दोनों अलग प्रोसेस है. तो फ्रेंड्स थैंक यू और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें EIA EMP के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएगी और मेरे जो प्रीवियस वीडियो EIA पे है पब्लिक हियरिंग पे है उसका भी डिस्क्रिप्शन में इसमें देने वाला हूँ. और थोड़ी तबीयत आज मेरी काफ़ी ख़राब है पर मैंने सोचा कि टाइम जितना नज़दीक आ रहा है DGMS एग्जामिनेशन का तो ये वीडियो बना दी जानी चाहिए. तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे आगे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा.